बैतूल में जर्जर सड़क और बड़े बड़े गड्ढों के चलते आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने विरोध में सड़क के गड्ढों पर भाजपा के झंडे लगाए और बेशरम की टहनियां भी लगाई। सड़कों की खस्ता हालत को कांग्रेसियों ने नगर पालिका के फैले भ्रष्टाचार का नतीजा बताया है। बता दें कि पूर्व कांग्रेस विधायक निलय डागा और जिलाध्यक्ष हेमंत वागाद्रे के नेतृत्व में एक दर्जन से ज्यादा कांग्रेसियों ने खराब सड़कों को लेकर विरोध जताया। पालिका की हालत नरक पालिका की जैसे हो गई है। बैतूल शहर की हर सड़क उखड़ गई है। इतना घटिया निर्माण हुआ पिछले 6 महीने में। जो सड़क निर्माण हुई उसमें 2-2 फीट 3-3 फीट के गड्ढे हो गए। अब गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ रहा है। मैं हमेशा से ये कहते आता हूँ कि बीजेपी का विकास हर बारिश में बह जाता है और ये इनका विकास टेम्प्रेरी रहता है जनता के लिए, और खुद का इनका जो विकास रहता है ये परमानेंट रहता है। ये भ्रष्टाचार के सिवा और कोई काम नहीं करते हैं। हम नगर पालिका प्रशासन जिस तरीके से भ्रष्टाचार करके रोड बना रही है, विकास की बात करते हैं, शहर का विकास नहीं करके ये खुद के विकास में लगे हुए हैं और नगर पालिका में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे सामने एक निर्माणाधीन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है जो कई वर्षों से बन रहा है और अब बनते बनते वो गिरने की स्थिति में आ गया, लेकिन वहाँ पर आज तक व्यापारियों को दुकान आवंटित हुई है ना, उनके बारे में कोई सोच रहा है। वो परेशान हो रहे हैं, जिनकी दुकानें खाली कराई गई, जिनको आश्वासन दिया था उनको भी आज तक दुकानें आवंटित नहीं कर रहे, और अभी भी इसके बनने का कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं बनेगा।